वन टू ट्वेल्व मम्मा नहीं है मेरी। हाँ शिवांगी पढ़ा कर टू बेटा, क्या हुआ शिवांगी? डैश टू जीरो। मम्मा नहीं है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप तो अपने आप लिख सकते हो ना, सिर्फ स्पेलिंग्स लिखनी है बेटा लाइन में। मैम इज गोइंग टू राइट ऑन द बोर्ड, मैम बोर्ड पे नोटबुक पे लिख देना, ठीक है? चलो साउंड्स वो आवाज है जैसे पीओटी राइट डाउन द डेट 19 दिसंबर बेटा, आप लिखो ट्राई करो, इट इज वेरी गुड। ओपन ओपन अ न्यू पेज। नहीं ठंडी हो रही है। 12-20 देखो मैम ने लिख दिया, मैम ने लिख दिया। चलो आई हैव रिटन, देखो मैम का कोड ओ साउंड वर्ड, ओ पीओटी साउंड वर्ड पीओटी, सी आई एम राइटिंग। ओ साउंड वर्ड, कम ऑन, ओके जल्दी से हेडिंग लिखिए। ओके यस बेबी, ओ साउंड वर्ड, नक्श हैज आल्सो जॉइंड अस, ओके नाउ नक्श बेटा क्विकली, नक्श बेटा टेक आउट एन इंग्लिश नोट बुक, राइट डाउन द डेट 19-20, ओ साउंड वर्ड, ओके एंड यू विल राइट ऑल द ओ साउंड राइट ओ साउंड वर्ड फर्स्ट। नाउ फर्स्ट विल बी पॉट, समर्थ शू, समर्थ नक्श क्वाइट, अब बिल्कुल चुप रहेंगे, मैम विल राइट, नाउ एवरीबॉडी विल बी क्वाइट। नाउ फर्स्ट वी विल स्टार्ट राइटिंग, पी सेज पर, ओ टी ऑट, पी ओ टी पॉट, कम ऑन, ओके कोटी वाली जिंदा, एक्स सेज हर, लो देखो मैम पीओटी पॉट लिख रही है। मैम व्हाट इज द डेट टुडे, मेरा एक क्वेश्चन बोलो मैम, मैम व्हाट इज, मैम लिख रही है पीओटी पॉट, व्हाट इज द डेट टुडे, बेटा टुडे इज 19 दिसंबर, तो राइट डाउन 19-12-20, लिख दिया, ओके। अब शिवांगी अब आप स्पेलिंग लिखेंगे ओ साउंड वर्ड्स की, जल्दी से पी ओ टी पॉट, जल्दी से लिखो पी ओ टी पॉट, और सेकेंड वाला है एच ओ टी पॉट, शिवांगी एच मैम देयर आर थ्री लेटर, यस मैम एक्चुअली ओ टी ऑट के थ्री हैं और ओ एक्स ऑक्स के दो हैं, टोटल एक्चुअली सिक्स है, तो मैं थ्री थ्री करके लिखवा रही हूँ, अभी ये थ्री लिखेंगे फिर नेक्स्ट पेज पे बाकी थ्री, ठीक है, ओके चिल्ड्रन, ओके ओके ठीक है। हाँ फर्स्ट यू राइट कम हियर पीओटी पॉट एचओटी हॉट सीओटी कॉट, वन पेज पे ये थ्री स्पेलिंग्स लिखिए एंड फुल पेज, समझ आओ लिखो जल्दी से, तुम्हें पावर नहीं है, ताकत नहीं है, फुल पेज, कल तो दो पेज लिखे, चलो ये लिखो पीओटी पॉट एक्सक्लेम का आंसर, ये फिनिश करिए, शिवांगी बेटा सीओटी कॉट लिखा आपने, सीओटी कॉट देखो सीओटी पॉट, ओके चलो बस वो ओ एक्स ऑक्स एफ ओ एक्स फॉक्स माने लोमड़ी, चलो बोल बोल के करना ठीक है, नहीं अभी आती हूं, पी ओ टी पॉट एच ओ टी हॉट सी ओ टी कॉट, ये लिखिए, राइट डाउन दीज स्पेलिंग्स इन वन लाइन एंड कॉपी डाउन द सेम, पी ओ टी पॉट बोल बोल के हो, एक साथ लिखो नहीं तो भूल जाओगे बेटा, राइट इट टुगेदर, मम्मा इज सेइंग राइट थिंग, मम्मा ठीक बोल रही है, मम्मा बिल्कुल ठीक बोल रही है, समर्थ बात मानिए मम्मा की, मैम लिख लिया मैम, आई हैव यस मैम,
वेरी गुड नाउ बेटा यू विल राइट थ्री मोर वर्ड्स थ्री मोर स्पेलिंग्स यू विल राइट ऑन अ नेक्स्ट पेज न्यू पेज ओपन करिए ओपन न्यू पेज ओके नाउ ओके न्यू पेज पे यू आर गोइंग टू राइट थ्री मोर स्पेलिंग्स एंड देयर विल बी ओ एक्स ऑक्स साउंड एंड ओ पी ऑफ चलो आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड ओके न्यू पेज पे लिखेंगे First, you are going to write down the spelling of box. Okay, so it will be B says B O X ox B O X box. ठीक है new page पे लिखेंगे बेटा ma'am. I don't have space. B O X box. B O X box. Next is F O X fox. चलो F O X fox. F-O-X. Yes. Fox. And next is M-O-X. F-O-X. Fox. Then next letter word is M-O-P-O. वेरी गुड गुड मॉर्निंग हाउ गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग इतने देर के बाद आया Without wasting any time, जल्दी से written work करें. F O X. Okay. I want you to open your English notebook. I have done that. Very good, Shivangi. Shivangi, अब next page. Open next page. Shivangi. Very good. Open a new page. न्यू पेज ओपन करके एंड राइट डाउन दीज थ्री स्पेलिंग चलो अपने आप लिखो बी ओ एक्स बॉक्स लिखो जल्दी से ओपन योर इंग्लिश नोटबुक राइट डाउन टुडेज डेट 19-12-20 हेडिंग विल बी नो साउंड वर्ड्स रांगी ओपन अ न्यू पेज अब आप न्यू पेज ओपन करो जल्दी से ओके एंड राइट डाउन ओके मैम हाँ ओके शिवांगी मैम की बात सुन रहे हो ना जल्दी से इधर देखो बोर्ड पे देखो लुक इन द कैमरा सी बी ओ एक्स बॉक्स फिर एफ ओ एक्स बॉक्स फिर एम ओ पी मॉम ये थ्री वर्ड्स लिखो न्यू पेज पे Write down these three words on the new page. लिखो यहाँ पे सिवा. नहीं लिखना अच्छे. लिखना कौन मैं? एक मिनट रुको आप क्या उतार दे रही हैं? मैम क्या करा रही हैं? M-O-X marks. क्या नाम और मैम? M-O-X marks होता है बेटा. हाजिक बी ओ एक्स बॉक्स एफ ओ एक्स बॉक्स और ऐसे कर एक मिनट रुको और पहले वाले आपको सिर्फ टोटल पी ओ टी बाद में मैंने बता दी डन अंडरस्टूड देख ले सबने हंडन तक कर लिया हां और ये हो गया बी वेरी गुड दिशिता दिशिता आपने ओ एक्स बॉक्स साउंड कर दिया बी ओ एक्स बॉक्स ओ एक्स बॉक्स चलो ये देखो जो मैम ओ एक्स ऑफ यहाँ नीचे से देख देखते पापा अच्छा बेटा हम न्यू पेज ओपन करिए न्यू पेज पे आप लिखेंगे एक्स एक्स से बनाओ पहले ये फॉक्स एक्स से बनाओ हाँ हाँ एक्स से बनाइए अभी लिखना है मैम ने बोला है शिवांगी आपको अभी करना है एफ ओ आप कुछ ना एफ ओ एक्स फॉक्स यस बेटा ये सिक्स स्पेलिंग्स हैं
और टू पेजेस पे लिखना है, एक पेज पे थ्री स्पेलिंग्स और नेक्स्ट पेज पे दूसरे थ्री स्पेलिंग्स, अंडरस्टूड? एक पेज पे नहीं लिखना है ये. बी कैसे बना रहे हो? कैसे यस बेटा, आप न्यू पेज ओपन करेंगे, उस पे डेट लिखेंगे 19-10-12-20, हेडिंग लिखो ओ साउंड वर्ड्स, ठीक है? ओके, फिर उस पे पहले की स्पेलिंग लिखो, पीओटी बताऊं, एचओटी हॉट और सीओटी कॉट, एक पूरे पेज पे ये तीनों स्पेलिंग्स लिखनी है आपको. और फिर नेक्स्ट पेज पे आ रहा है, नेक्स्ट पेज पे आप ये लिखोगे स्पेलिंग्स, बीओएक्स बॉक्स, एफओएक्स बॉक्स, एमओपी मॉप. ओके ओके, एक पेज पे लिखना है, स्पेलिंग चलो ठीक है, पहले ये लिख लो ठीक है, बीओएक्स बॉक्स very good Shita beta, very good. Mama, I have done. Very good. Very good. बेटा सिद्रा, गुड मॉर्निंग, व्हाई आर यू लेट टुडे? व्हाई आर यू लेट? टेल मी बेटा, आप लेट क्यों हैं आज? क्लास आप लेट होते हो तभी मैम अलाउ करती है क्लास एंटर करने के लिए, हमेशा आपको नहीं लो बोले जो पूछ रहे हैं. Without wasting time, Chidra, open your English notebook. Open your English notebook and today we are doing O sound words. I'm not going to repeat it again and again, children. But listen to me very carefully. Write down the date today, Chidra, 19-12-20. Jaldi se date likhenge. Write down the heading, O sound words. Okay? Good girl. Okay, what are you doing? Box, box, mop. Mop, M-O-P, mop. हाँ मम्मी नमस्ते. Last word is M-O-P, mop. Children, do you know the meaning of mop, mopping? Can anybody tell me? बोलो mop माने पूछा, बोलो. Mop माने पूछा. अच्छा जी. समझ पोछा या झाड़ू? बोलो मैं लगाता हूँ गर्म. मीन्स इट इज नान. ओके वेरी गुड.
स्मार्ट मस्ती नहीं बेटा, एनफ मस्ती, चलो फिनिश द वर्क क्विकली, चलो लास्ट ये करो जल्दी से, सुन ली सर लिख दो जल्दी से, सो तो जाओ सितरा बेटा, ओपन योर इंग्लिश नोटबुक क्विकली, राइट डाउन टुडेस डेट एंड हेडिंग ओ साउंड वर्ड एंड स्टार्ट राइटिंग द वर्क ऑन फर्स्ट पेज ऑफ सिद्रा बेटा, आई एम नॉट इन अ मूड टू जोक राइट नाउ, एवरीबॉडी एल्स इज डूइंग द वर्क नाउ, ओपन योर इंग्लिश नोटबुक प्रति से रिटन वर्क करेंगे, कम ऑन पाई करके पेंसिल खाली में तो पीओएक्स बॉक्स एक्स बॉक्स अब लिखो चुन्नी खराब हो जाए, खराब हो जाएगी, लो एफ ओ एक्स फॉक्स आज आई हूँ, बात है कटवा लूँ, आ रहा हूँ मार लूंगा आज पास मत पढ़, कोई बात ना, कोचिंग को काम बोकर दो। शिवांगी व्हाट इज हैपनिंग, बेटा सिद्रा स्टॉप मेकिंग फेसेस एंड ओपन योर नोटबुक, आई एम वेटिंग फॉर यू टू टेक आउट योर नोटबुक, Sidra, you want to study or not? अच्छा करके उधर ही को लिख ना, इधर को क्यों लाती है? ये देख रही हूँ। Ma'am, I am done. Very good, बच्चे, very good. Keep it up, beta. Let us wait for other students to finish the work. Unmute yourself. Are you doing your work? Yes, I am. Show me your work in the camera. Come on. What have you done? Media. Show me your work in the camera. कैमरा में दिखाइए अपना नोटबुक, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, आपको ये वर्क किसने बोला, ये तो वर्क करवा ही नहीं रही है मैम, आज तो मैम इंग्लिश वर्क करवा रही है।
मैं कह रही हूँ वही करना होगा ना कीप अवे द हिंदी नोटबुक एंड टेक आउट योर इंग्लिश नोटबुक चलो हट जाओ मैं बोल रही हूँ बाकी सारे बच्चे भी तो वही वर्क कर रहे हैं ना टेक आउट योर इंग्लिश कॉपी आपका इंग्लिश कॉपी कहाँ है इंग्लिश कॉपी तो आप मैम को नहीं बताएंगे डेट लिख रहे हैं लिख नहीं मिल रही है आपने मैम से पूछा एक बार भी आपने मैम की हेल्प ली और आप जब क्लास में रेगुलर रहोगे राइट मम्मी कह रही हैं आपकी बेटा सिद्रा अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन आई वांट यू लुक एट द बोर्ड हियर थ्री लेटर वर्ड्स है ओ साउंड वर्ड्स हेडिंग लिखिए ओ साउंड वर्ड्स एंड राइट डाउन ऑन वन पेज पीओटी पॉट एचओटी गॉट सीओटी गॉट एक पेज पे आपको ये स्पेलिंग लिखनी है फुल पेज पे एंड ऑन द नेक्स्ट पेज आप लिखोगे बी ओ एक्स बॉक्स एफ ओ एक्स बॉक्स एम ओ पी मॉक आई होप आई एम क्लियर नाउ आज कितनी तारीख है 19 December 2020 19-12-20 is today's date and the heading is O sound words फ्रॉम पास्ट 20 मिनट्स मैं आप लोगों को यही चीज समझा रही हूँ 20 मिनट्स वेस्ट कर दिए बट वर्क नहीं स्टार्ट करा है सिद्रा का अभी तक I will play a song, move and freeze, dance and freeze. Jab move aayega word, you will dance on the music and when the word freeze will come, you will freeze. Aap statue ban jaoge bilkul. Okay? Jab music will be played, you will keep on dancing and dancing and dancing and when the word will be freeze, you will freeze. Okay? And I'm with